जुले तशिदेले सबको नमस्ते। तो ये वीडियो ना ही कोई ट्रेवल व्लॉग है, ना ही कोई जांस्कर के बारे में है जो मेरा रेगुलर वीडियो आ रहा है। ये एक टिबेटन फ्रीडम फाइटर तेंजिन चुनजी का इंटरव्यू वीडियो है। जैसे कि आप सब जानते हैं, तिब्बत एक आज़ाद देश था, लेकिन 1959 में चाइना ने तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया। तब से तिब्बतन का लीडर दलाई लामा जी और सब तिब्बतन अभी भी एग्जाइल में रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। और भी तिब्बत के बारे में जानने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो फिलहाल तिब्बतन फ्रीडम फाइटर तेंजिन चुनजी का इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो सबको नमस्ते, जुले एंड तशिदेलेक। तो सो टुडे वी आर विद तेंजिन चुनजी ला एंड ही इज़ अ रिनोन तिब्बतन राइटर एंड अ फ्रीडम फाइटर, यू कैन कॉल हिम एक्टिविस्ट। So, I have few questions to ask him, and thank you for giving me opportunity, sir. So, first of all, can you tell some little bit about yourself, Hindi English tournament? हाँ, मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बती आज़ादी की कार्यकर्ता हूँ और मैं कविता लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, एक लेखक हूँ। मैं धर्मशाला में रहता हूँ और धर्मशाला हिमाचल के वहाँ रहता हूँ, और तिब्बत की काम के लिए तो जगह जगह घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और तिब्बत के लिए जोर पकड़ता हूँ। ओके जी। फिर सो राइट नाउ तेंजिन चुनजी ला इज ऑन हिमालयन टूर फॉर द तिब्बत। सो आई वांटेड टू आस्क हिम व्हाट इज योर मेजर एम्स फॉर दिस हिमालयन टूर। हिमालय टूर में मेरा दो मेन मकसद है। एक, अभी का जो परिस्थिति आज इंडिया गुजर रहे हैं वो ये है कि चीन की तिब्बत कब्जा करने के बाद आज चीन भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, और भारत जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो हम ऐसे तिब्बतन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल वक्त हैं। भले मुझे पता है कि किसी तरह से आर्थिक व्यवस्था से या परमाणु शक्ति भी भारत का बहुत है, फिर भी इतने बड़े आबादी के साथ चीन से मुकाबला करना मुश्किल है। ऐसे मौके में लोगों के मन में बहुत ही एक गहरा समझ होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। उसी के मकसद से मैं ये हिमालय के दौरे पे निकला हूँ। और दूसरा, इस दौरे पे मैं परम पावन दलाई लामा जी का एक फिल्म है, एस्केप ऑफ द दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत। इस फिल्म के माध्यम से पूरे हिमालय क्षेत्र में एक जुड़ाव आ जाता है, क्योंकि परम पावन जी सब लोग बहुत मानते हैं, उससे पूछते हैं, उससे बहुत आदर रखते हैं। तो यही फिल्म के माध्यम से लोगों के पूरे हिमालय, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, पूरे में एक कनेक्शन बन जाता है। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर सो मेनी प्लेसेस राइट नाउ, व्हाई डिड यू चूज द हिमालयन रीजन? हिमालयन रीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए ये दौरे पे, क्योंकि चीन की तिब्बत कब्जा करने के बाद तिब्बत तो चीन की गुलाम से जूझ रही है, उसके ऊपर ये भी है कि हिमालय के क्षेत्र में लद्दाख से लाहौल स्पीति, किन्नौर और आगे कुमाऊं, गढ़वाल, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल तक, सबके संबंध पहले तिब्बत से होते थे। और चीन की तिब्बत कब्जा करने के बाद ये संबंध जो है टूट गए। वो भाईचारे का रिश्ता था, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे खुलेआम और कोई रोक टोक नहीं थे, और व्यापार की रिश्ता था, शादियाँ होती थी, और यहाँ की धर्म, भाषा, संस्कृति, भेदभाव किसी तरह से इतना अच्छा गहरा भाईचारा का रिश्ता था। अब वो टूट गए हैं, वो बंद हो गए हैं। तो हिमालय क्षेत्र को बहुत ही फर्क पड़ा, और आज जिस तरीके से चीन न सिर्फ तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, अब भारत को बड़े दबाव डाल रहे हैं, तो पूरे हिमालय क्षेत्र लोगों को ये महसूस हो रहे हैं,
और उनमें एक आक्रोश भी है चीन के खिलाफ, तो वो समझना और इसके बात में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना और इसके बारे में गहराई से समझने की कोशिश, यही है इस दौरान की। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग एज एन इंडियन, यू नो व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट दैट एन इंडियन सिटीजन कैन प्रोवाइड फॉर द टिबेट कॉज। सबसे पहले मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक को ये मन में उतार देना चाहिए कि एक देश को चलाना, एक देश को बचाव में सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ख़ास करके लोगों की बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। हमारे सेना तो है ही हमारे आगे जाके, हमेशा इतने ऊंची पहाड़ों में, इतनी ठंडी जगह में देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो ये है कि अपने आप एक जागरूकता रहना और ऐसे परिस्थिति में सरकार और अपने सेना की सपोर्ट करना है। तो इसी में आप ऐसे नहीं कर सकते पूरा सरकार करेगा, लोगों का एक जिम्मेवारी होता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये हालत जैसी भी है एग्जैक्टली उसको समझना और उसी से जागरूक रहना, वो लोगों का एक काम है। अभी मीडिया में भी तिब्बत के बारे में या बॉर्डर के बारे में पॉलिटिक्स के तौर से बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को जिस तरीके से समझना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मुझे ये एक दौरे पे लेना पड़ा। एंड व्हाई डू यू थिंक दैट टिबेट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया? देखो, तिब्बत हमेशा भारत की सबसे बड़ी पड़ोस देश था। ओके। और अभी भी है। यस। लेकिन भारतीय मन में वो बैठे नहीं, ये इसलिए नहीं बैठे क्योंकि भारत की आज़ाद होने के बाद चीन जब आज़ाद रूप में उभर के आए एज अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो कम्युनिस्ट कंट्री तोड़ के चीन उभर के आए, तो तब का भारत की नीति ये था हम चीन से दोस्ती करेंगे और चीनी हिंदी बाय बाय करेंगे। तो वो बाय बाय तो नहीं रहा, बल्कि बाय बाय हो गया 1962 से। yes. क्योंकि 62 में जब चीन की भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो भारत की जितना विश्वास रखा था चीनी हिंदी बाय बाय से, वो बिल्कुल टूट गए। फिर भी सरकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये बोलते गए कि हम चीन से दोस्ती करेंगे, और वो आज भी नहीं हुआ। और पिछले साल 2020 की मई मंथ से तो ये भी पता चला कि अब चीन भारत के ऊपर आक्रमण कभी भी कर सकता है, और गलवान घाटी के हत्याकांड के बाद तो पूरे भारतीय वासियों के मन में चीन के ऊपर जो जितना थोड़ा मोड़ा जो विश्वास था वो भी टूट गया। तो इसीलिए लोगों को पूरी तरह से जानकारी रहना और लोगों को ये पता रहना कि चीन की जिस तरीके से तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, और भारत जिस तरीके सोच रहे थे कि तिब्बत की आज़ादी तो गया, हम तो महफूज है, हम तो ठीक है, ये एक एटीट्यूड जो है, ये जो सोच है वो बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर ये नहीं बदला तो ये सोचते गए कि चीन अभी भी हमारा दोस्ती हो सकता है, तो ये बड़ा एक मिस्टेक, एक प्रॉब्लम है, और उसे भारत को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा भविष्य में। तो इसीलिए अभी से ही जागरूक रहना, और क्योंकि चीन का सोच व्यापार से या दोस्ती से नहीं है, चीन का मकसद जो है एक जैसे अपना भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी कहते आ रहे हैं कि चीन एक विस्तारवाद देश है, और उनका मकसद पूरी दुनिया में उनकी ताकत से शासन चलाने की कोशिश। आज उनकी मकसद अमेरिका को हरा के पूरी दुनिया की बॉस या पूरी दुनिया के ऊपर काबू करना चाहते हैं, ऐसे अपेक्षा रखने वाले, ऐसे एक सोच रखने वाले, ऐसा एक एम्बिशन रखने वाले भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश होता है। तो इसलिए हमें चीन से युद्ध नहीं करना है, हमें अपने देश की अखंडता, हमारे देश की स्वायत्तता, आज़ादी बिल्कुल बनाए रखना है, लेकिन चीन की एक बुली जो है
वो भी नहीं सुना है। तो इसीलिए लोगों के बीच में एक जागरूक रहना और सरकार को पूरी तरह से योगदान देना, ये हमारा लोकल पॉपुलेशन और आम जनता की एक ड्यूटी रहता है। ओके थैंक यू। तो लास्ट क्वेश्चन है कि तंगजुर होता ता धीरे ता लद्दाखी छेरवा इन्हें इंडियन सिटीजन रहा इन्हें आज फेबर लॉकडाउन लॉकडाउन छे रहा आज तो आज तो इन्हें पे चुचु ने फेबर लॉकडाउन लॉकडाउन छे ते आज तो दिन दे ता मांगो यो ता फेबर का जो कोर चामा शेंगे दिन दे ता ता सो 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 क्या बोलूँ ठंसे ता देवल चामा जुई दे अरुणाचल साइड ता आज तो लद्दाख छोटा पे मांगो ता दिनजो ला यहाँ मिसिए की लाभ चढ़ो दिन दे खरी है ना जो जो बांगे इन खाजिन ला दिनजो यहाँ फेबे कोर यहाँ साय रहे ता फेबे की क्या जो मिन यहाँ ला ना आराम चढ़ो इन ला मांगो देर रहा ता कौन सा जो की योर ला ता कौन सा लोग ना चुग नीचे न्यामता दूर ला ने ता दिनजो ला यहाँ मिसिए की गेन थे वा जो रहा जो जो दे कौन सा ला ता आज तो रहो दिन दे लाभ चढ़ यहाँ मिसिए रहो दिन दे ये ना लेकिन समझना इंडे समझ दो तंदा था फेबे लाभ चढ़ ना लोग जो चे देंगे ता मिसर की तो नहीं क्या ही हुआ छू था रिक्शों की तो नहीं तो फिर बता था हलम पेपर लाने डे ये देंगे लापा तो ग्यारह बजे नहीं था फुजी था थेपर छे देंगे इन भाई ना खड़ी और हिमालय के जू नाम की का बादाम नहीं छे अरुणाचल हर तुम छू तो रिक्शों की तो नहीं बेबल थे का देवा ही पसंद ठंडे नहीं कर ला चिता यू दिजु खुई ला रावण यू भाई ने ठंडक के ही तो नहीं शिवजी ने हमजा टूट समझ तो पेचना लद्दाख हुई लिया सिरिंग लाए थे लिया छिरिंग लाए थे ले यंगु तो वा अनि पेचना कुंजोम लाए थे ले कुंजोम लाए थे ले तब पे मार जीना धीम मशीन अनि गेमुशो को है छाया थे ले तो वा जैसे दिन जोन की तो ने शुरू जी के सबसे शुरू तो पेचना तब दे केरों कुली भाई ना की ता तिनंता पुनंता खंडर जी की यूं भाई ने तो यहाँ पर ठीक है ना पी ना ठीक है ये देंगे मैंने तुर्तु की बल्दी इन बने तब आप देखो लोग कौन से चीज़ बने समझा बल्दी इन बने रे ठीक ना पी ना ठीक है ये देंगे पर तब बल्दी स्थान नालों ला तिंसा ही नहीं तब तब शी सावचिक ला बल्दी के दी पी ना ठीक है कि पैदून चिक चिगो लग दो जैसे दिन सो टाइम पे खेजे बोल रहा दी फेबर जिन बे तो ने पी ठीक हो रही सी ने लगी में लद्दाखी कितना के रंग ही नहीं रे पा मुयोगी के ही नहीं रे इंजीनर ठीक ना सेटन दें बा नॉन बजी लुकी नालो ले हाँ दिया ची की कोरा अनि कैसू चेत भिया अनि माउंट पुक्सम ले या न्यार तो भिया दी इंजी तां ये की शिम्बा खरे ने ठीक नहीं कुंग क्यों मारे भी ना ठीक ना अनि सेटन दें बा माउंट पुक्सम ले या पेंट होया अन लापा दो दिन समय कुल या नांचू शुजी की जिंगे रे कंजू तेंजू लोया ला भी मशीन बल अनि की शिम्बा खाने जी मैंने यहाँ है बोली हमारे जब जैसे तंदर गोंबा खा मांगू जी नल कंजू तंग जिंग बा दिने पेड़ ने दिल्ली शिव दिने दुआ तब लोगे मैं बसों जा तब ये कुंडल ने शिम्बा जिक्षा दिने छाव मुद्वा जैसे तब दिने यहीं पे ना माहौं बल लो फिर जब मैं जो रोज़ ना रो लिया कि छाता न्यामचो डोमायन समय के समझे दिने यूं मुद्वा अने तनो साजे ची ना लिया दिने शुगिचुं मां रंजे मांजु की शोर पर रे इन बे ने मांजु के ही छोटा जो चुन लिया कां सब सब चीन करना तब दी न्यामचो न्यामचो डूर रे समझे शिनान चीना वा तब हिमाले के जो ना रो लिया तब रंजे दे बे के कब रे मांजु योर तोप्तां ता खर चामा जिक जो योर वा इन बे ने के ही तां रिशुं तो लिया जिक तुशो रो जी चीन बे केंगी अने के ही दुन्जो लब इने ठीम आशेंगे तब ना लो शिम्बा नांगलो ला तब ना लब तो ढूंगे जो वा कुछ ना ये के ही शिम्बा शिम्बा चे इंजी हिंदी माइन बता के खरी शिंगियो ने शिम्बा चे सुसु रंगी मागे थी मशीने तिन्दे जे मशीन बे ना तब जे माँ बोले या तब लाहौल रे पीती रे किनोर रे पिनपाला दार या मेंटामा रे दिने या था ना गरवाल दां कुमाऊं के लिए ने तब माँ बोल दी लुंबे की शुंगे दिन्जो की सुसु की मशीन बचे अने लुंबे बता की के शिम्बा खरी शिंगियो ने याबो रे दा ने सुसु रंगी की मशीन अने दी लाडू रो जन दी उन्हें समझे यो देंगे जिंग पर मुझे तो शिव जी को थोड़ा तो दिला तब तंदर फेबल अपने नाल शिम्बा पुरी शिंगे दें जो मैं ने मिक्सी की कले की अच्छे के न्यारा चेयर तो लिया शु जी क्या करे समझ दो के न्यारा चेयर दी ये कब रामजे न्यारा चेयर जी पर ये कब न्यारा रामजे न्यारा चेयर इंजी मिच्छब्जी लेगु पे
rikshu rangi tohne rangzi nyato chega. Nganzu chapsi tohne gemi pyozene chege nere. Yen yobe yine chwe ta rikshu tohne ngaranzo rangzen di tantan shore yamare pepe nyakde yore. Di penne ngachan pari. Ta dila gyalambuchi ngwane uti ani lamdun pepe mimang yine dina shin kalay gyabu sonzang ngazu nyato yore. Dasu. Tujinan. Dasu. Tujinan. Dasu.